हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसपोर्टोल। मेरा नाम मोमित अमिशा दास है और आज मैं आप लोगों के लिए नया एपिसोड लेके आई हूँ। क्या है वो एपिसोड? नया कुछ प्लांट लाई हूँ। प्लांट इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मैं वो दिखाने आई हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वो दिखाने आई हूँ जो कोई नहीं दिखाता है आपको। वो है मेरे थोड़े अगली से प्लांट्स, थोड़े सफरिंग से प्लांट्स, जो कि बहुत से सफर कर रहे हैं। मैंने अचानक कली से निकाला है ये प्लांट स्टैंड, देख रहे हैं? ये कल मैंने साफ किया और वहीं से निकला है ये। तभी मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई तो मैं हर वक्त शेयर करती हूँ, ये भी तो शेयर करना जरूरी है। तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन से प्लांट हैं जो बहुत ही सफरिंग स्टेज में हैं। तो जो पहला प्लांट है मैं वो दिखा रही हूँ, ये है होया वोयला। एंड इसकी हालत बहुत ही बुरी है। अचानक से देख रही हूँ इसके लीव्स ऐसे हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें रूट रॉट हो गया है, क्योंकि ये लीका में है। आप कोई भी मीडियम ले लीजिए, रूट रॉट होता ही है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि होगा ही, पर कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये वेदर भी तो आपका ये प्लांट में साथ देता है। तो वेदर खराब होगा तो कभी कभी हो जाता है। तो मैं ये निकाल के देखती हूँ, बहुत ही खराब कंडीशन में है, तो मुझे ये डालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हालत देख रहे हैं? ये कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैंने 2-3 दिन पहले ही इसे पूरे से साफ करके अच्छे से लगाया था। इसमें कोई ओ ऐसा लग रहा है जैसे कि सफेद सफेद सा वो मेलीबग्स इसमें लग रहा है। तो हो सकता है मेलीबग्स की वजह से भी हो, और रूट रॉट तो है ही है, पर इसको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लग रहा है, क्योंकि इसका स्टेम ऐसे चिपचिपासा हो गया है। इसको दबाने से ऐसा लग रहा है गल गया है, तो पूरा ही गल गया है, इसको बचा नहीं सकती मैं। तो गया, ये बिल्कुल हो गया इसका सत्यानाश। तो अब बारी है लिस्ट के दूसरे प्लांट की, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्लांट है, क्योंकि बहुत ही खराब हालत में है। तो ये देखिए, ये रहा इसके ऊपर का स्टेम जो है वो रॉटनिंग स्टेज में है। तो ये प्लांट है फिलोडेंड्रॉन मेलंकसुम, जो मैंने स्वैप में पाया था। तो इसकी हालत बहुत ही बुरी है, पता नहीं अचानक से क्यों ऐसा हो गया। ऊपर का हिस्सा मैं अगर काट भी दूं तो बचा पाऊंगी या नहीं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा संदेह है। तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास नया ब्लेड है, तो मैं नए ब्लेड से इसके ऊपर करती हूँ ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो ये इसका जो नोड है उसके नीचे है, तो शायद उसमें से पता निकले। मुझे बहुत ही टेंशन है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है, एक बार रॉटनिंग शुरू हो गया तो ऊपर से रॉटनिंग धीरे धीरे नीचे के हिस्से को भी पकड़ लेता है। तो एकदम ऐसे हिस्से को मैं काटूंगी जहां ग्रीन ग्रीन सा है, बिल्कुल उस नोड के ऊपर, क्योंकि अगर नोड कट गया तो प्लांट बचेगा नहीं। तो ये बहुत ही रिस्की वाला काम है गाइस, पता नहीं, ब्लेस मी कि प्लांट बच जाए, क्योंकि अभी प्लांट के प्राइसेस इतने हैं कि खरीदना तो औकात से बाहर है मेरे लिए। तो मैं यहां से कट कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैं यहां से कट कर रही हूँ। तो नहीं कट हो पा रहा है, मैंने काट दिया वो हिस्सा, और वो हिस्सा ऐसे कुछ लग रहा है। इस हिस्से के ऊपर मैं थोड़ा सा साफ लगा दूंगी, हल्के से जस्ट ब्रश से लगाऊंगी, ताकि ऊपर ही ऊपर कोई सड़न फिर से ना आ जाए। और मैं जो निचला हिस्सा है उसे फेंक देती हूँ, क्योंकि ये तो काम का है नहीं, और तो इसे फेंक देना जरूरी है। तो ये रहा, आप सोचते हैं ना कि मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो ये नमूना है। तो चलिए तीसरे प्लांट की ओर चलते हैं, मेरे पीछे ही है, देख पा रहे हैं ना इस बोल में? आप तो सोच रहे होंगे कि क्या अच्छा खासा भला प्लांट है, इसको क्या हुआ है? हुआ है, अच्छे खासे भले प्लांट को भी होता है। ये देखो, दिख रहा है व्हाइट कलर का रूट्स में मेलीबग्स, बिल्कुल अच्छा सा प्लांट है। पर अचानक मैंने देखा इसके ग्रोथ रुक गया है, इसका ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया है। तो मैंने ये देखा कि हुआ क्या है इसे, उसको तो मैंने अभी कुछ ही महीने पहले रिपोर्ट किया था। दो बार रिपोर्ट करने के बाद भी मैं इसके रूट मिलीबग से बचा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों।
तो मैं इसको पूरी तरह से निकाल के इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़े से भिगा के रख के इसको वॉश करूंगी। आपको अभी ये वाला दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मैं किचन में ये दिखा नहीं पाऊंगी आपको साफ करना, पर मैं जब ये करूंगी साफ तब कोशिश करूंगी इसका वीडियो करके इसके साथ लिंक अप कर दूं, क्योंकि ये भी तो आपको दिखाना है कि कैसे होता है। देखिए इसमें एल्गी भी हो गया है बहुत से, तो एल्गी को भी साफ करना जरूरी है। कांच के बोल में है, देखने में अच्छा लगता है, पर कुछ प्रॉब्लम्स हर प्लांट में होता ही रहता है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि रूट्स में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी रूट रॉट हो जाता है, कभी रूट में मेलीबग्स हो जाता है, तो प्लांट का ग्रोथ को नजरअंदाज करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है मेरे जैसे। गाइस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक प्लांट्स को देखना पड़ेगा कि नजर घड़ा के बैठे नहीं रहना है, जस्ट थोड़ा बहुत नजर देना पड़ता है। तो ये गए कुछ प्लांट्स, और एक प्लांट है उसकी भी हालत मैं दिखाती हूँ, बहुत ही भयंकर सा हालत है। इसको मैंने ह्यूमिडिटी प्लास्टिक में लॉक करने के लिए दिया था इसका, इसको आपने पहले देखा है कैलेथिया, इसकी हालत तो और भी बुरी है क्योंकि मैं भूल गई थी इसको पानी डालना, शायद एक महीना नीचे की तरफ चला गया था साइड में, भूली गई पानी डालना। इसका जो जुड़वा है वो ठीक है, उसको भी पानी डालना भूल गई थी, पर वो ठीक है, काम कर रहा है अभी तक, जिंदा है, पर इसकी हालत बहुत बुरी है। इसको मैं बचा नहीं सकती, इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसको रिवाइव होगा कि नहीं उसका भी पता नहीं है। तो मैंने इसे पानी डाल के रखा है, देखते हैं क्या होता है कुछ दिनों तक, लगता नहीं ये वापस आएगा। पर इसका जो जुड़वा भाई है वो ठीक ठाक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो काम कर जाएगा। तो गाइस ये सारे प्लांट्स मेरे बिल्कुल ही जा चुके हैं, कुछ नहीं कर सकती मैं इन लोगों के लिए। बस एक मेलंकसुम है जिसको मैंने होप रखा है कि वो हो सकता है, और मेलीबग्स तो मैं साफ कर दूंगी, उसका भी वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसे बिल्कुल मरे हुए प्लांट्स को मैं क्या करूं, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ऐसा। मेरे कलेक्शन में से कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस शेयर करना कि आप लोग ऐसे स्टेज में कभी गए हैं मेरे जैसे, नेग्लेक्टेड प्लांट्स कभी हो जाते हैं ना, कभी काम का प्रेशर, कभी कुछ तो हो जाता है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कभी तो हुआ होगा, झूठ नहीं बिल्कुल हाँ। तो और एक बात, शेयर करना ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगर ऐसे सिचुएशन में पड़े तो क्या क्या करना चाहिए, मेलीबग्स हो जाए रूट्स में तो क्या करना चाहिए, कई पेड़ के अगर ग्रोथ रुक गया है तो प्रॉब्लम कहाँ है उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बुरी बात है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, शेयर क्यों नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा ये फैमिली। प्लीज सपोर्ट अस गाइस, सपोर्ट मी, सपोर्ट अस, मैं और सुभाष और तो और सिम्बा बहुत खुश होंगे आप लोगों के ये सपोर्ट से, हम लोग आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर के बटन दबा दीजिए, अपने व्हाट्सएप में शेयर करना मत भूलिएगा, तो लोगों को पता भी तो चलेगा। टिल देन चाचा बाय बाय, सबा खैर, और जल्दी ही फिट ट्रैवलिंग का ब्लॉग आ जाएगा, तब तक फॉलो इन इंस्टाग्राम ट्रांसफॉन्डो, टाटा।